हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है कुक विनीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर फलाहारी बाइट या फिर साबूदाना बाइट्स, जो कि बाहर से है क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और साथ में बनाने में बहुत ही इजी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी प्रिपरेशन करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए आराम से, और जब दिल करे आप इसको फ्राई करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी या फिर दही या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए, व्रत में आप इसको कभी भी खा सकते हैं। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं, ये साबुदाना बाइट्स किस तरीके से रेडी किए जाते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैंने आधा कटोरी यहाँ पर साबुदाना लिया है, जिसको अच्छे से कॉटन की क्लोथ से हम इसको पूछ लेंगे। और अब हम इसको बारीक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं, तो मिक्सी जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं, इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने साबुदाने का आटा पीस कर रेडी कर लिया है। अब ले ले रहे हैं यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं कद्दूकस करके, बॉयल पोटैटो हैं, लगभग मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें ये आटा। तो आटा हम आलू के ऊपर डिपेंड होता है, मैं इसमें आधा कटोरी आटा डाल रही हूँ साबुदाने का। कई बार क्या होता है कि आटा कम भी हो जाता है आधा कटोरी, क्योंकि जो आलू होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी कई बार क्या होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। कोई कोई आलू, जैसे खार आलू अगर हम खाने में यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठीक होता है। तो आप आटा उसके हिसाब से ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच ये रोस्टेड, मेरे पास पीनट थे जिसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। अब डालेंगे कुछ मसाले, डालेंगे थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्ची, साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हम डालें यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर, और फिर डालेंगे 1 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। साथ में डाल रहे हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे, वो भी व्रत वाला, क्योंकि हम व्रत के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी बनाकर इसको खा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी बना रहे हैं तो इसमें आप कुटी हुई मिर्ची डाल सकते हैं रेड वाली, और ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा, जीरा मैंने डाल दिया है। और अभी अच्छे से हाथों से अच्छे से मैश करेंगे और इसका एक हम डो तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा डो रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हाथ पर ऑयल लगाना है और इसको मनपसंद शेप दे देनी है। तो ऑयल लगाकर हम इसको शेप दे देते हैं। मैं अपने डो से इस तरीके से शेप दे दी है। आप इसको गोल भी बना सकते हैं या इस तरीके से बाइट्स में भी बना सकते हैं। तो मैंने शेप दे दिया है, और आप इसको एक साथ मतलब तभी की तभी भी सेक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको फ्रिज में भी थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आपको किसी के लिए बनाना है तो आप इसको स्टोर करके रैप करके फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपका मन करे तभी आप इसको गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए चटनी, चाय, खट्टी मीठी इमली की चटनी या दही के साथ। तो हम यहाँ पर इसको फ्राई कर देते हैं। जो व्रत में आप ऑयल या घी खाते हैं उसी में हम इसको फ्राई करेंगे। तुरंत बाद हमको इसको पलटना नहीं है, पहले थोड़ा सा सिकने देंगे और फिर हम इसको अलट पलट के किसी उन तक सेकेंगे। और ध्यान रहे कि गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम ही रहे, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेक लेते हैं क्रिस्पी होने तक। पलट करके हमने ये साबुदाना बाइट्स सेक लिए हैं मीडियम फ्लेम पर, और ये अच्छे से कुरकुरे कुरकुरे सिक चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर अपने ऑयल से, और दूसरा बैच भी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो गर्मा गर्म साबुदाना बाइट बनकर रेडी हो गए हैं, जो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। बनाते हुए ध्यान रखना है कि जब हम इसको सेक रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, वरना अंदर से कच्चे और ऊपर से ये जल जाएंगे या फिर सिक जाएंगे। और दूसरा कि हम इसको जो चावल की क्वांटिटी है वो हम अपने आलू के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसको बनाइए और खाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।